हेलो फ्रेंड्स, आज सेक्शन में आपके एक बार फिर से स्वागत है। तो मैं नरेंद्र आप लोगों के लिए लेकर आया हूं हमारी खास खबर, जो कि जुड़ी हुई है साउथ इंडस्ट्री के सुपरस्टार यानी कि विजय से। तो दोस्तों, बहुत बड़ी खबर आ रही है कि ईडी की टीम ने आयकर की चोरी को लेकर विजय से पूछताछ की है। तो भैया, पूरा मसला क्या है और क्यों यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो दोस्तों, आपको पता ही है कि इन दिनों विजय जो है अपनी आने वाली मोस्ट अवेटेड फिल्म यानी कि मास्टर के शूट में काफी व्यस्त हैं और इसी फिल्म के शूटिंग के दौरान पहुंच गई थी फिल्म के लोकेशन पर ईडी की टीम और उनसे यानी कि विजय से पूछताछ करने लगी आयकर की चोरी को लेकर। तो भैया, ये पूरा मसला क्या है, चलिए मैं आपको बता देता हूं। तो भैया, ये जो मसला है वो जुड़ा हुआ है विजय की पिछली फिल्म यानी कि बिगिल से, जो कि 2019 में बॉक्स ऑफिस पर रिलीज हुई थी और एक बड़ी हिट फिल्म साबित हुई थी बॉक्स ऑफिस पर। भैया, आपको पता ही है कि इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर 300 करोड़ का आंकड़ा पार किया था और इस फिल्म का जो बजट था वो बताया जा रहा था कि 180 करोड़ का था। तो भैया, इसी फिल्म से जुड़ी हुई जानकारी जो है वो ईडी की टीम विजय से ले रही थी, यानी कि भैया ईडी की टीम जो है इन दिनों एजीएम फिल्म्स और इस फिल्म के फाइनेंसर अबू चेलियन के संपत्ति की जांच कर रही है और इसी जांच के दौरान वो पहुंचे थे किसके पास, तो भैया विजय के पास, और पूछ रहे थे इस फिल्म के बारे में। बताया जा रहा है कि कर की चोरी को लेकर शंका है ईडी की टीम को और वो जांच कर रही है एजीएम फिल्म्स और अबू चेलियन को लेकर, और इसी को लेकर विजय से पूछताछ की गई है। तो भैया, ये तो पूछताछ के बारे में हमने आपको बता दिया जो खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही। तो आप अपने कमेंट के माध्यम से भी तो बताइएगा कि विजय को सपोर्ट करना चाहिए कि नहीं ईडी की टीम को। तो बॉलीवुड से जुड़े और भी कई सारे खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल वारंट सेक्शन को लाइक सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे अपडेट्स को जानने के लिए बेल आइकन को जरूर।